नमस्कार दोस्तों, शीर्ष प्रसिद्ध पिक्चर्स चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं वर्ल्ड सिनेमा की एक आइकॉनिक फिल्म टाइटैनिक की। दोस्तों, यह फिल्म रिलीज हुई थी 1997 में और इस फिल्म ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था और यह उस दौरान की सबसे महंगी फिल्मों में से एक फिल्म थी। इस फिल्म को बनाने में करीब 1250 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। इस फिल्म का निर्देशन किया था जेम्स कैमरून ने और इस फिल्म में प्रमुख भूमिका निभाई थी लियोनार्डो डी कैप्रियो और केट विंसलेट ने। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी ओरिजिनल टाइटैनिक शिप पर आधारित थी। दोस्तों, टाइटैनिक विश्व का सबसे बड़ा वाष्प पर आधारित जहाज था। यह टाइटैनिक नाम का विश्व का सबसे बड़ा यात्री जहाज 1912 में इंग्लैंड के साउथहैम्पटन शहर से कई यात्रियों को लेकर न्यूयॉर्क शहर के लिए रवाना हुआ, लेकिन बीच में हिमशिला से टकराने से जहाज में छेद हो गई और करीब 2.5 घंटे के बाद यह विशाल यात्री जहाज उस समुद्र में समा गया। और कहा जाता है कि इस विशाल जहाज के डूबने से करीब 2500 लोगों की मृत्यु हो गई थी और इस जहाज के जो कप्तान थे उनका कहीं पता नहीं चल पाया। इस फिल्म में टाइटैनिक शिप को डूबते हुए दिखाने का सीन क्रिएट करने में करीब 1 करोड़ लीटर पानी का उपयोग किया गया था। और आपको याद होगा कि इस फिल्म में सीढ़ियों पर पानी भरने वाला सीन, उसको क्रिएट करने के लिए लगभग 3.5 लाख लीटर पानी का इंतजाम किया गया था। और इस फिल्म का एक शेप जिसे आभास हो गया था कि अब वह बचने वाला नहीं है, तो उसने बहुत सारी शराब पी और बर्फीली पानी में कूद गया था। तो रियल में जब टाइटैनिक जहाज जब डूबी थी तो उसमें बचने वाला यह आखिरी शख्स था, क्योंकि इसने शराब इतनी ज़्यादा पी ली थी कि उसने इसके शरीर को गर्म रखा और वह कई घंटों तक अपने को बचाए रखा और इस वजह से वह जीवित बच पाया। इस फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखने के दौरान इसके डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने जो लोग बच पाए थे और जो लोग इस घटना से संबंधित जुड़े थे उनसे करीब 5-6 महीने तक मिलकर उनसे कई तरह की जानकारियां इकट्ठी करते रहे ताकि स्क्रीन प्ले जो स्क्रिप्ट है उसको और सशक्त बनाया जा सके और पूरी तरह से वास्तविक बनाया जा सके। जेम्स कैमरून इस फिल्म को जितना भी रियल हो सकता था, जितना भी वास्तविक हो सकता था, उसके लिए वह भरसक कोशिश कर रहे थे। इसी कोशिश के दौरान वह डूबे हुए टाइटैनिक का रियल फुटेज लाने के लिए करीब 12 बार समुद्र के नीचे गए, जिसकी गहराई थी 12,500 फीट। वह अपने सबमरीन से करीब 12 बार गए जहां पर टाइटैनिक का मलबा पड़ा था। उन्हें काफ़ी दिक्कतें भी आई, लेकिन काफ़ी मशक्क़त करने के बाद वह मलबे का रियल फुटेज लेने में कामयाब रहे। उस फुटेज को टाइटैनिक फिल्म में भी दिखलाया गया है। इस फिल्म में एक ओल्ड कपल को भी दिखाया गया है को जिन्हें पता था कि अब शिप डूबने वाली है तो वह कहीं भागने की कोशिश नहीं करते हैं। वह उसी अपने बेड पे दोनों लेटे होते हैं और शिप का डूबने का इंतज़ार कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब शिप कभी भी डूब सकती है। तो उस एक्चुअल इंसिडेंट को इस टाइटैनिक फिल्म में फिल्माया गया था। जो ओरिजिनल टाइटैनिक शिप था तो उसमें कई देशों के लोग जो अमेरिका के लिए जा रहे थे, हिमशिला से टकरा कर टूट जाती है और वह समुद्र में डूब जाती है। लेकिन फिल्म बनाने के लिए इसमें लियोनार्डो डी कैप्रियो और केट विंसलेट का एक लव एंगल जोड़ा जाता है। जो एक्चुअल में टाइटैनिक शिप जब डूबा था तो उसमें ये दो कैरेक्टर नहीं थे, वो फिल्म बनाने के लिए एक फिक्शनाइज किया गया था, जिसमें हम देखते हैं कि केट विंसलेट को बचाने के लिए लियोनार्डो डी कैप्रियो है वह मर जाता है। तो दोस्तों, उस दौरान की यह बहुत बड़ी लागत की फिल्म थी और बहुत चली थी, बहुत पसंद की गई थी, वर्ल्ड के सबसे महंगी फिल्मों में से एक फिल्म थी। तो जेम्स कैमरून बड़ी बड़ी फिल्मों को बनाने के लिए जाने जाते हैं। उससे पहले उन्होंने टर्मिनेटर फिल्म बनाई थी, फिर उन्होंने अवतार फिल्म भी बनाया था। तो दोस्तों, यह था वीडियो टाइटैनिक शिप से जुड़ी हुई कुछ जानकारी जिसके ऊपर टाइटैनिक फिल्म बनी थी। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।